पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस से शिवराज सिंह चौहान भोपाल आ रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान को ट्रेन में देखकर यात्री काफी उत्साहित दिखाई दिए और उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। केंद्रीय मंत्री बोगी में बैठे हर यात्री से मिले शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने ट्रेन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर जारी हैं। उन्हीं कामों को वे आगे बढ़ाएंगे। मुझे किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने दिया है। ग्रामीण विकास और खेती दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मन में एक ही संकल्प है कि पीएम के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहा है उसको तेजी से आगे बढ़ाएं। किसान और खेती एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता है। वही प्रदेश में जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां हो रही है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आगमन पर शिवराज सिंह चौहान का रविवार को जोरदार स्वागत किया जाएगा। जगह जगह उनके स्वागत के लिए मंच बनाए गए हैं।